रेस्क्यू लाइन पे हमें हमीरपुर से एक अबैंडन पेट के लिए कॉल आया। डॉग की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, ये एक पिटबुल है और इसकी दोनों आंखें किसी ने इंटेंशनली फोड़ रखी थी। हर चीज पर रिएक्ट कर रहा है, पूरा ट्रेंड भी है, सिर्फ बोलो तो बैठ जाता है, कम बोलो तो आ जाता है। इसको हैरेस तो किसी ने जानबूझ के किया, क्योंकि एक आंख में भी अगर लगती तो समझ में आता कि चलो फाइट हो सकती है। दोनों आंखें इंटेंशनली इसके हर्ट की गई। इसको स्किन कंडीशन भी काफी ज्यादा सीवियर था। सबसे पहले हमने उसकी आंखें डायग्नोस की जिसमें अनगिनत मैगेट्स थे। हमने मैगेट साफ किए, अभी उसकी आंखों की ट्रीटमेंट शुरू कर दी है। जैसे ही इन्फेक्शन क्लियर होता है हम उसकी सर्जरी करेंगे। उसकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल होने के बाद उसकी स्किन कंडीशन की ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। और अभी उसका जब ब्लड टेस्ट लिया गया था तो हमें ये पता चला है कि उसके लिवर में भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जिसके लिए हम उसके डाइट और बाकी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। डॉग बहुत ज़्यादा शांत है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें उसे एक मेंटल सपोर्ट भी दे पाएँ। उसको थोड़ा सा डिप्रेशन जो है उसको भी हम वॉलेंटियर्स की मदद से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दो अपडेट्स में तो मैं ज्योति को डांट ही रहा था, अब की बार मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, इन्होंने करी है बड़ी सारी सर्जरीज। कैसे सर? इस बार तो विनीता के ही 6 मेल डॉग्स हमने स्टरलाइज कर दिए थे। इजी इसलिए हुआ क्योंकि वो खुद पोस्ट ऑप करती हैं, और ऐसे ही लोग जब हमें कॉन्टैक्ट करते हैं तो हमारी सर्जरीज के नंबर भी बढ़ जाते हैं। और ऊपर जैसे हमने डिसाइड किया था कि हम सर्जरीज को प्रायोरिटाइज करेंगे, तो कुछ रेस्क्यूज मैंने इस बार मना किए और इस बार हमने सर्जरीज पे फोकस किया, तो काफी सारी सर्जरी हो गई। तो ये तो सारे आपने पेंट कराए ना? हाँ। तो इसमें डॉग्स कैसे रहे थे आपके? क्योंकि हमारा दो साइड है कैनल का, तो जब हमने फर्स्ट बाहर की साइड की पेंटिंग करी उस टाइम पे सर्जरीज कर दी ताकि डॉग अंदर ही रहे, और कुछ दो दिन बाद फिर जब ये वाला हिस्सा सूख गया तो हमने अंदर के पेंट कर दिया। वो तब बाहर है। हाँ, और अभी गर्मी है तो प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। अगर आप लोग भी रेस्क्यूअर्स हैं और अगर आप कैनल्स बिल्ड करना चाह रहे हैं, हमारा वीडियो है यूट्यूब पे इस बारे में। हमारे जो कैनल्स हैं दो भाग में, डॉग्स का अंदर एक बेडरूम है जहाँ पे वो रहते हैं, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, थोड़ा भाई सर्दियों में गर्म रहता है, और बाहर जो है बैलकनी है तो वहाँ पे वो पी पू करने आ जाते हैं। तो उससे क्या रहता है कि उनके पास अलग जगह रहती है तो स्ट्रेस कम रहता है, जिससे उनकी हीलिंग भी बेटर रहती है और हमारे को भी तनाव नहीं होता क्योंकि वो रोते नहीं। डॉग्स का सबसे ज़्यादा यही होता है कि लोग कहते हैं कि भाई पड़ोसी बहुत कंप्लेन करते हैं डॉग्स रो रहे हैं। एक बारी कैनबिस लीगल हो जाता है तो भी डॉग्स को रिलैक्स करने में हमारे पास एक अच्छी वेटनरी मेडिसिन होगी। वो डैलमेशियन आपने, वो जो रशियन लेडी आई थी उन्हीं को ही फिर करा अडॉप्ट, तो आपको तो कुछ हेजिटेशन थी कि ये बेस्ट नहीं है घर? पहली बात ये थी कि हमने आरती और जो जिन्होंने हमें कॉल किया था अमरजीत, उन सबसे बात कर रखी थी कि अगर दोबारा डॉग का कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग हैं हमेशा। यही कहा कि अगर दोबारा उनको जाना है तो किसी और के हाथ ना दे के जाए, वो यहाँ पर ला कर हमें दे सकती हैं डॉग को। और ये भी है कि सॉरी, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ भाई। वो जो लेडी है वो डॉग को प्यार तो बहुत करती है भाई, हमारी रिजर्वेशन ये थी कि उनका खुद का ठिकाना नहीं है, फिर वो स्टरलाइजेशन के लिए हमें उन्हें कन्विंस करना पड़ा था। स्टरलाइज तो खैर वो ये डॉग तो हो ही कर दिया ना। हाँ। तो बेस्ट घर नहीं है, बट हमारे पास ना आइडियल समाधान बहुत ही कम टाइम में होते हैं, क्योंकि जितने टाइम वो डैलमेशियन यहाँ रहता है, जब हम उसके लिए कोई घर ढूंढते, कोई दिल्ली में घर मिलता, हम ट्रांसपोर्ट करते, तब तक 6 रेस्क्यूज को हमें मना करना पड़ता, वो 6 रेस्क्यूज सड़क पे तड़प तड़प के मरते। तो इस लाइक कि भाई चलो उन रेस्क्यूज की मदद हो गई और उस डैलमेशियन को घर तो मिल गया, चाहे आइडियल नहीं है। जब हम लोग सुबह फीडिंग के लिए आए थे तो नवीन का मुझे फ़ोन आया कि अश्विनी काफ़ी ज़्यादा वीक लग रही है और वो उठ नहीं रही है, उसने अपनी गर्दन भी बैलेंस नहीं कर पा रही है। और हमने उस टाइम पे तुरंत डॉक्टर हिमांशु से बात की और सर ने सजेस्ट किया कि हम पहले तो उसको सही पोजीशन में दीवार से टिका के बिठा दें ताकि ब्लोटिंग का इशू ना हो। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि इसको बाहर हमारे रिकवरी एरिया में छोड़ दो ताकि वो खुली हवा में थोड़ा सा बेटर फील करे। शायद सुबह गीली थी इस वजह से ठंड लग सकती है, बच्चा भी है और ये क्लिनिक है तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा मसाज करेंगे, खड़ा करने की कोशिश करेंगे और ऑब्जर्वेशन में ही रखेंगे फॉर फुल डे। एक ही दिन में आज हमने 3 रेस्क्यू किए हैं, जिसमें से सबसे पहला कॉल हमें सुबह 9 बजे ही आ गया था रजौल से, जिसमें एक बैल की पूंछ बुरी तरीके से इंजर्ड थी। लगता तो यह है कि किसी ने जानबूझ के उसे किसी नुकीली चीज़ से मारा है, तभी उसकी पूंछ कटी और साथ ही में उसकी हड्डी में भी काफ़ी ज़्यादा इंजरी थी। गाड़ी साइड में हम लोगों ने रुकवा दिया है ताकि यहाँ
हम इसका ट्रीटमेंट आज के लिए तो सिर्फ पेन किलर देंगे और कल इसकी पूंछ का एम्पुटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंजरी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और गैंग्रीन हो सकता है और भी इन्फेक्शन इसको हो सकते हैं। अभी ये जो पिटबुल जिसको मैं रोटी खिला रहा था, इसको तो अब दिखना शुरू हो गया राइट? हाँ सर, कल शाम को हमने नोटिस किया कि उसकी थोड़ी सी आँख हमें नज़र आई। हम लोग श्योर नहीं थे, हमने डॉक्टर से चेकअप कराया तो पता चला कि आँख अभी पिछले हिस्से में हो गई थी, जो कई बार रोल हो जाती है, क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम आया था पूरी आंख में मैगेट लगे हुए थे। हमें लगा इसकी आंख है ही नहीं, लेकिन जैसे जैसे इसकी रिकवरी, दोनों आंखें आपको लगा नहीं? हाँ, दोनों आंखें नहीं लगा, अभी मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड का आई दिखा है, और जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होगा होपफुली राइट आई भी हो उसका, लेकिन अभी तो काफी बेटर है। तो वेनू कह रहा था कि इसके ओनर के बारे में कोई फोटो आई है, कुछ इन्फॉर्मेशन? जी जी, विनीता से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि उसके जो फर्स्ट ओनर थे उन्होंने उनसे कॉन्टेक्ट किया खुद, और उन्होंने बताया कि इस पिटबुल को उन्होंने 2 महीने पहले किसी और को बेचा था और फिर उसने कहीं छोड़ दिया, और फिर जो भी इसके साथ क्रुएलिटी हुई। ये हमारे पास केसेस बहुत सारे आ रहे हैं ना, लोग अपना पेट रखते हैं, दे देते हैं क्रुएलिटी। मुझे लगता है कि ये उम्मीद रखना कि ऐसे लोग ही नहीं होंगे जो पेट्स को अबैंडन कर देंगे या जो एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी करेंगे, ये थोड़ा इमेच्योर है, ये चीज़ें होती रहेंगी। हमें वो लोग ज़्यादा चाहिए जो जिनको मदद चाहिए उनकी मदद करें। पर पता है जो थोड़ा मैं डिसहार्टेंड हूँ, जैसे मैं बड़े सारे लोगों से पूछता हूँ कि भाई आपके पास जादू की छड़ी आ जाए तो आपकी लाइफ कैसे दिखेगी, तो मुझे ये जवाब नहीं मिलता कभी कि भाई हम इस सिचुएशन में हों कि जहाँ पे हम किसी की मदद कर पाएं। लोग हमेशा मांगते हैं पैसा, वो ये भी नहीं मांगते कि भाई पैसा अगेन इज़ अ मीडियम ना टू गेट समथिंग। तो आप कह दो कि भाई मुझे फ़लानी जगह घर चाहिए या ये चाहिए, नहीं वो भी नहीं, लोग कहेंगे पैसा। या अगर आप कहो कि भाई मुझे ये चाहिए, उसकी बजाय हाउ अबाउट कि मुझे ये फीलिंग चाहिए, मैं चाहूँगा मैं इस पोजीशन में हूँ जहाँ पे मैं किसी की मदद कर पाऊँ और मैं सैटिस्फाइड फील करूँ, तो ये थोड़ा डिसहार्टनिंग है मेरे लिए। जो को हम गग्गल से रेस्क्यू करके लाए थे, इसके लिए डॉक्टर स्मृति ने जब कॉल किया था तब इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम इसलिए रिलीज कर रहे हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि हमें और भी रेस्क्यूज के लिए जगह की ज़रूरत है। जो इसका फंगल इन्फेक्शन था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, हेयर ग्रोथ क्योंकि बहुत स्लो होती है वो बस रह गई है, और वहाँ पे डॉक्टर स्मृति जो इसकी केयर टेकर हैं कि वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगी। अगर आगे लगा कि हाँ स्किन इन्फेक्शन रेकर हो रहा है, जो कि पॉसिबल है ऐसे केसेस में, तो हम इसको फिर से ज़रूर ध्यान देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये बाहर जाने के लिए रेडी है। दूसरा बैल आया है वो बंडी से आया है, इसकी उम्र काफ़ी कम है, इसको डॉग्स ने अटैक किया है शायद, क्योंकि इसके पेट में जो घाव है उसको देखने से यही लग रहा है। घाव काफ़ी ज़्यादा पुराना था, इसलिए इसमें अनगिनत मैगेट्स थे, इसमें बहुत इन्फेक्शन हो चुका था। हमने जब ट्रीटमेंट करनी शुरू की तो हमें नज़र आया कि इसके पीनस वाले एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा मैगेट्स हैं, वहाँ पर कोई घाव तो नहीं था। हमने ट्रीटमेंट तो शुरू कर दी है, लेकिन इसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। हमारे पास एक और क्रुएलिटी केस है, जो बैल है जिसकी पूंछ कटी गई, यही है ना? हाँ जी, उसमें एक तार भी बंधी थी, हमें लगा वो तार की वजह से कटा, लेकिन बोन तक में डैमेज था, जो कि किसी के मारने से हुआ है, और साहिल का कहना है किसी ने इंटेंशनली दरात वगैरह से इसको डैमेज किया होगा, तब बोन में डैमेज हुआ है। और हमारे पास पहले भी एक बैल आया था जिसका, जी जी, गिरगिट पहले था हमारे पास, जिसकी टेल एम्पिटेशन हमने थोड़ी सी डिले कर दी थी कि वो हील हो जाएगा, लेकिन फिर गैंग्रीन का इशू हुआ, इसलिए हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे सेकंड डे ही इसकी सर्जरी कर दी थी। क्योंकि टेल की जो इंजरी है ना, क्योंकि ये बिल्कुल स्पाइन से जुड़ी हुई होती है, स्पाइन का पार्ट ही होता है, क्या कह सकते हैं सर, वो बोन, और वहाँ से सबसे ज़्यादा बॉडी में इश्यूज इनके उस हिस्से से फैल सकते हैं, तो इसलिए हमने फटाफट एम्पुटेशन करी। तो हमने गिरगिट के टाइम गलती करी थी, पर उस गलती से हमने सीखा और इसकी मदद हम कर पाए। तो इसकी जो सूचरिंग हुई है, जो पूंछ जा काटी, सूचरिंग नहीं हुई आपने? नहीं सर, सूचरिंग नहीं हुई, हमने स्टेपल्स यूज़ किए हैं इस बार। तो एक डॉक्टर जिवेश आए थे, ह्यूमन डॉक्टर, उन्होंने हमें स्टेपल गन भेजी है जिससे सूचरिंग की जगह स्टेपल यूज होते हैं, और ये जल्दी, ये बहुत जल्दी हो गया सर। सूचरिंग में टाइम लग जाता था थोड़ा, उससे तो बहुत कम टाइम में हमारे स्टेपल्स लग गए थे और सर्जरी कम्प्लीट। जहाँ आधा घंटा लगना था वहाँ 5 मिनट में काम हो गया, तो एनिमल जो है वो कम पेन झेलेगा। ये स्टेपल गन आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको कोई एनिमल दिखता भी जिसको बड़ा गैश लगा हुआ है, तो उसका वूंड क्लीन करके, सूचरिंग तो हम लोग नहीं कर सकते पर स्टेपल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये जिन स्टेपल्स की बात हो रही है, ये नॉर्मल स्टेपलर नहीं होते, मेडिकल स्टेपल गन अलग आती है और वो रीफिल नहीं होती, सिंगल टाइम यूज होती है, उसमें मेरे ख्याल से 35-1 स्टेपल्स होते हैं। खैर, एक और चीज़ थी कि भाई अगर आपको कहीं पे लगता है कि आप
उसके किसी फीडबैक से हम इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो फीडबैक हमें ज़रूर भेजिए। हमारा ईमेल है namaste@peoplefarm.org। अभी हमने हाल ही में एक केस किया था जिसमें एक गाय का जो बेबी था वो डेड था, अंदर ही फंसा हुआ था। वहाँ पे कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई इसको आप बेहतर ढंग से हैंडल कर सकते थे। तो वैसे तो हमारे डॉक्टर्स के पास अब काफ़ी अनुभव हो गया है, पर कहीं पर आपको लगता है हम चूक रहे हैं और आपने वैसा केस हैंडल किया है तो प्लीज़ आप वीडियो बना के हमें ईमेल कर दीजिए, और अगर आप आ सकते हैं या वॉलंटियर कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पिंकी, जिसको अभी हमने थोड़े दिन पहले अडॉप्टेबल्स में शिफ्ट किया था क्योंकि उसके पैर पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं, अभी रेगुलर चेकअप के दौरान जब ब्लड टेस्ट हुआ तो हमें पता चला कि उसके प्लेटलेट्स काफी डाउन हैं और अभी 2 से 3 दिन पहले काफी ज्यादा हाई फीवर भी हो गया था, जिसके लिए हमने उसकी मेडिकेशन शुरू कर दी है और अभी उसको हमने एस कैनल में शिफ्ट कर दिया है ताकि वो कॉन्स्टेंट हमारी नजर में रहे। एक हमारा बैल आया जिसके पैर पे चोट लगी है, ये हमने चड़ी से रेस्क्यू किया था। इसके आपने गॉज डाल रखा है अंदर? जी जी, बेटा डिप करके गॉज डाल रखा है ताकि वो एरिया क्लीन और वहाँ पे मेडिसिन लगी रहे। ये क्रुएल्टी केस नहीं है? नहीं, नहीं। चोट लगी है, किसी चीज से लगी होगी, बस एक गड्ढा सा है। अगर छोटी चोट होगी, समर के टाइम की वजह से मैगेट लग गए होंगे, शायद इस वजह से ज्यादा डीप हो गया होगा। बाय द वे, आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारा हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल है वहाँ पे वीडियोज नहीं आ रहे है, क्या कि हम थोड़ा अंडरस्टाफ्ड हैं, और साथ ही में जो चैतन्य हमारे वीडियो एडिटर हैं वो इस महीने के एंड में जा रहे हैं। पिछले महीने शाइनी चली गई क्योंकि भाई उसकी शादी हुई और जो उनके हस्बैंड हैं उनकी पोस्टिंग कहीं और है। चैतन्य भी अपने फैमिली के रीजंस की वजह से जा रहे हैं, मुझसे नाराज़ होकर नहीं जा रहा। थिंग इज़ कि ये अच्छा है कि इनके जाने में गैप्स हैं, क्योंकि जैसे अगर लोग इकट्ठे जा रहे होते तो वो हमारे लिए झटका है, जिस झटके को सहने में हम कमज़ोर हो जाते। तो एक कॉन्सेप्ट है एंटी फ्रिजिलिटी का कि भाई जैसे हम कहते हैं ना कि व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, वो तभी होता है कि जब झटके के पास आपके पास रिकवरी का टाइम हो। तो शाइनी के पास हमारे पास 1 महीना था, चतन के पास हमारे पास 1 महीना है टू रिकवर फ्रॉम दैट। जैसे मसल्स होती है ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स ब्रेक हो जाएंगी, पर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं और रेस्ट देते हैं तो मसल्स स्ट्रांग होती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बुक भी है इस बारे में, इसमें एक्सप्लेन्ड है, यू कैन लुक दैट अप ऑन गूगल। जामुन हमारे पास फिर से अभी इंपेशेंट हुआ है, ये हमारे लोकल एरिया का ही है, इसको किसी ने अबैंडन कर दिया था। मोस्टली इसके बहुत ज़्यादा डॉग फाइट की वजह से हमेशा कान में वूंड रहता ही है, हम जितने भी अभी इसको ठीक करके भेजते हैं ये फिर कुछ दिन बाद सेम जगह में मैगट फूंड लेके फिर से हमारे फार्म के बाहर ही घूमता हुआ नजर आता है। हम इसको फार्म में नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रोता है, कैनल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, इसलिए हम इसको अभी फॉस्टर करवाएंगे। उसके बाद फिर जब ये ठीक हो जाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि ये तो या तो अडॉप्ट हो जाए, क्योंकि फिर इसको रिलीज़ करना मतलब फिर 2 से 3 महीने बाद इसका वापस से मैगट फूंड के साथ हमारे पास आना फिक्स्ड है। इसकी रिकवरी अच्छी हो रही है? जी जी। तो इसकी सर्जरी कब है? सर इसकी सर्जरी हम शायद ना करें क्योंकि रिकवरी अच्छी हो रही है, अभी यूरिन नीचे से ही पास कर रहा है, जहाँ पे कट था यूरिनरी ट्रैक्ट में वो लगभग हील हो चुका है, तो अभी जो यूरिन है वो आगे से ही बह रही है। तो हम बस ये वेट करेंगे कि एक बार प्रॉपर हीलिंग हो जाए, और अगर वो स्किन ऊपर से नहीं बिल्ट होती वहाँ पे हम सूचरिंग कर देंगे, जो कवरिंग है ना उसकी। ये हीलिंग अच्छी हो गई, गजराज का इतना अच्छा नहीं है ना हीलिंग, वो पीछे जाके बैठ गया, कंडीशन उसके थोड़ी सी डाउन हो गई। हमारा अब की बार गाय का थोड़ा ऐसा ही चल रहा है क्योंकि सुंदर को लूज मोशन लगे हुए थे, मैंने सुबह देखा था। जी सर, सुंदर को लूज मोशन लगे हैं, किंग को भी लगे हैं, किंग को तो काफी टाइम से है। किंग की तो खैर एज भी ज्यादा है, एज बहुत ज्यादा है उसकी, लेकिन हमने इस चीज के लिए हर गाय के लिए हीम बूस्ट ऑन करवा दिया है जो कि एक प्रोबायोटिक टैबलेट है और वो उनके डाइजेशन को हेल्प करेगी। ये जो हमें डोनेट करी थी किसी ने? जी जी, काफी इसका गाय का हाजमोला। यस, गाय का हाजमोला। ठीक है, तो ये दे रहे हैं लेकिन? जी, हम रेगुलर ये चीज अप्लाई कर रहे हैं, अभी देखेंगे इसका इम्प्रूवमेंट। और वैसे तो किसी और गाय को अभी ये इशू नहीं है, बस किंग और सुंदर को है तो हम उनका ध्यान रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो गजराज का प्रोग्नोसिस? नहीं सर, उसको ऑलरेडी उठने और बैठने में हर बार गिरता है, और ऐसा भी नहीं है ना कि हम लोग ऑल टाइम किसी को वहाँ पर उसको उठाने, और क्योंकि वो अपनी मर्जी से उठता बैठता है, तो वो चीज़ है थोड़ी सी प्रॉब्लम, जो कि हमें पता था कि वो प्रॉब्लम करेगी। कुछ सैड न्यूज़ हमारे पास है, मैं ज्योति को नहीं प्रेशर में डालूंगा, हमारे 3 काफ्स की डेथ हुई है। एक काफ तो जो आया था उसका तो कह रहा मैं पता था वो बच्चे का नहीं, उसका तो मेरे ख्याल से पेट में इतना सर, बहुत पुराना घाव था, बहुत भयंकर मैगेट्स से, इवन पीनिस पे भी मैगेट्स से, जहाँ कोई घाव नहीं था तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया था। आपने वो हिस्सा देखा होगा तो पूरा काला पड़ चुका था वो हिस्सा। ये मैं एक और रेस्क्यूअर भी आके पूछ रहे थे, मैं आपको बताऊंगा, दिस इज़ अ वेरी कॉमन अक्रेंस कि भाई कोई जानवर सड़क पे है, बड़ा टाइम सर्वाइव कर जाएगा, उसको कीड़े खा रहे हैं, समहाउ मैगेट्स जिंदा रखते हैं, मेरे ख्याल से कुछ तो है ऐसा। यहाँ पे हम लाते हैं, मैगेट्स क्लीन करते हैं,
एंड बड़ी बारी होता है कि जो एनिमल महीनों से जिंदा था वो अगले दिन उसकी डेथ हो जाती है। आपने पहले देखा, मैंने तो ये बड़ी बार देख चुका हूँ मैं 7 साल सर ये चीज़। हाँ, हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि अब यहाँ पे हम लाते हैं, हम ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक सब कुछ जैसा होना चाहिए वैसा ही करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर मैं भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि शौक है समथिंग जो मैगट्स हटते ही वो मे बी शायद ट्रीटमेंट का स्ट्रेस तो नहीं है कहीं। नो आइडिया, मुझे नहीं पता। अष्टमी और जो हमारा जो एक और छोटू काफ था गबरू, उनकी जो डेथ हुई है वो तो इसलिए हुई कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, इस समय गर्मियाँ आ गई हैं लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, कई भाई दिन में अचानक ठंड हो रही है और क्योंकि इनके पास मदर्स नहीं है इनकी तो ये सर्द गर्म होके वो अपने टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते ना, वो बच्चा बहुत छोटा सा था। हाँ, वो पहले ठीक था सब कुछ, जैसे ही वेदर कंडीशन एक दिन चेंज हुआ है वेदर तो अगर आप ये वीडियो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं, आप हमसे कोई ये जो बछड़ा है ये लेके कुछ टाइम फॉस्टर कर सके जब तक वो बड़ा ना हो जाए तो हमारी काफ़ी मदद होगी, वो बछड़े भी बच जाएंगे। हमारे यहाँ बछड़ों का मोर्टैलिटी रेट काफ़ी हाई है। जो हमारा अष्टमी से पहले जो हमने सरगम को अडॉप्ट किया था, सरगम बिल्कुल ठीक है पर मैं तो वहम की वजह से ही उसको अब कैमरे पर नहीं लाता सर, क्योंकि बात वह हमें जब छोटे बछड़े आते हैं तो ताकि वो हमारी कांस्टेंट नज़र में रहे, इस वजह से यहाँ क्लिनिक में रखना पड़ता है और क्लिनिक है नहीं उनके लिए जगह। क्लिनिक में हेल्दी या फिर मान लो कमज़ोर उसको रखेंगे हम तो उसको तो असर करेगा ही ना वो चीज़, ये आइडियल प्लेस नहीं है छोटे बच्चों के लिए। एक और जगह जहाँ बछड़े नहीं बचते ना वो हैं डेरियाँ, और आप जाइए किसी भी डेरी के पास जाइए देखिए वहाँ पर बछड़े नहीं मिलेंगे आपको, और उनसे पूछिए कि बछड़े गए कहाँ, क्योंकि गाय तो दूध तभी देती है ना जब वो बछड़ा देगी। फाइनली जाम को एक अच्छा डॉक्टर मिल गए हैं, एक अच्छा घर मिल गया है। करण जो कि वॉलंटियरिंग करने आए थे हमारे साथ, अभी वो जा रहे हैं घर वापस, तो जाम भी उनके साथ जा रही है। तो चीज़ें तो और भी बहुत हुई, हमें भूसे का एक ट्रक डोनेशन में आया, चूचू घर से भाग गया था और उसके लिए हांडी तैयार कर ली गई थी, तो अच्छा एक पड़ोसी ने उसे पहचान लिया और वो उसको वापस ले आए। पर हम आपको सिर्फ वही चीज़ें बताते हैं जो या तो आपको सोचने पर मजबूर करें या कुछ सिखाएं, समझाएं या हंसाएं।